गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या आपको पता है कि इंडिया में कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो इस समय सबसे ज्यादा डिमांड में है, या फ्यूचर जॉब्स में कौन से स्किल्स सबसे ज्यादा डिमांड में होंगे? जब हम कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, हमें कोई आइडिया नहीं होता कि किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, उनमें क्या सैलरी या पैकेजेस रहेंगे और उनके लिए कौन से स्किल्स हमें डेवलप करने चाहिए। इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए मैं ऑनलाइन रिसर्च कर रही थी कि कोई ऐसा रिसोर्स मिले जो काफी ट्रस्टवर्दी हो, एंड दैट इज व्हेन आई फाउंड द इंडिया सैलरी गाइड 2023। ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जिसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स में कौन सी जॉब्स हैं, उनके कितने मिनिमम एवरेज और हाईएस्ट पैकेज रह चुके हैं, एंड हर सिंगल जॉब के लिए कौन से स्किल्स आपको चाहिए वो भी मेंशनड है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उन सारे पॉसिबल करियर ऑप्शंस में कौन से टॉप 3 स्किल्स रिक्वायर्ड हैं वो बताऊंगी, एंड उससे भी पहले मैं ये शेयर कर देती हूं कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये रिपोर्ट जेन्युइन है। मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूं। मैंने अपनी MBA की थी IIM अहमदाबाद से, एंड उसके बाद मैंने कैडबरी नाम की एक कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग में मैनेजर की पोजीशन पर ज्वाइन किया था। तो अब अगर आप इस रिपोर्ट में सेल्स एंड मार्केटिंग को देखते हो, उसके अंदर आपको FMCGs का ऑप्शन दिखाई देता है। कैडबरी एक FMCG कंपनी है, और जस्ट उसके नीचे लिखा हुआ है कि टॉप 20-20 स्कूल्स की क्या सैलरी रही होगी। तो IIM अहमदाबाद क्योंकि टॉप 20-20 स्कूल्स में आता है, हम इसके अंदर सेल्स के रोल को चेक करते हैं, जो कि मेरा रोल था। तो यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम सैलरी 20, 26 और 32। मेरी उस समय पे सैलरी थी 28 लाख पर एनम, विच इज स्लाइटली अबव एवरेज, जो कि इस रिपोर्ट के हिसाब से बिल्कुल सही है। इसी के साथ साथ अगर आप मेरे जूनियर्स की सैलरी भी चेक करना चाहो, उनकी सैलरी चेक करने के लिए आप रिटेल के सेक्शन को चेक कर सकते हो। यहाँ पे सेल्स की मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम सैलरी दी हुई है 12, 18 और 24। कैडबरी में जो 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस वाले एरिया मैनेजर्स थे, उनकी सैलरी होती थी 12 से 15 लाख रुपए, विच इज ऑल्सो ट्रू एज पर दिस रिपोर्ट। नाउ दैट वी नो कि ये रिपोर्ट काफी एक्यूरेट है, लेट मी टेल यू कि इन सारी फील्ड्स में वो कौन से टॉप 3 स्किल्स हैं जो इसी रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं दैट आर हाईएस्ट इन डिमांड इन इंडिया। पहली फील्ड है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की, जिसमें टॉप 3 स्किल्स हैं एक्चुअरियल साइंस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फंड रेजिंग। दूसरी फील्ड है इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग की, जिसमें टॉप 3 स्किल्स हैं मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड प्लांट ऑपरेशंस। तीसरी फील्ड है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की, इसमें टॉप 3 स्किल्स हैं इंटरनल ऑडिट, M&A विच स्टैंड फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन एंड इन्वेस्टर रिलेशंस एंड बिजनेस फाइनेंस। फोर्थ इज हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज, इसमें 3 स्किल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग, RA, QA and EHS, which stands for Regulatory Affairs, Quality Assurance, Environment, Health and Safety. And final skill is Market Access. Next is Human Resources, जिसमें top 3 skills हैं Recruitment, DE&I, which stands for Diversity, Equity and Inclusion, and finally Employee Engagement. अगला है Legal, CS, which is Company Secretary and Compliance. इसमें 3 skills हैं Data Privacy, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड नेगोशिएशन एंड कंप्लायंस। अगला है प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन, जिसमें 3 स्किल्स हैं स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग, सस्टेनेबिलिटी एंड प्लानिंग। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन, जिसमें सेल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड P&L मैनेजमेंट, विच इज प्रॉफिट एंड लॉस मैनेजमेंट की जरूरत होती है। अगला तो मेरा फेवरेट है, विच इज सेल्स एंड मार्केटिंग, जिसमें SEO एंड ASO। SEO इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ASO इज ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, उसके अलावा लीड जनरेशन एंड ब्रांडिंग की जरूरत होती है। सेकेंड लास्ट फील्ड इज टेक कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसके अंदर टॉप 3 स्किल्स आर क्लाउड, फ्रंट एंड बैक एंड एंड एंड्रॉइड। द फाइनल वन, जिसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, दैट इज टेक एंड डिजिटल, जिसके अंदर टॉप 3 स्किल्स आर डेटा साइंस, क्लाउड एंड फुल स्टैक। So these are all the skills that you need to develop for the different fields mentioned in this report. आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। एंड इसके अलावा अगर आप और करियर गाइडेंस रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, जस्ट टाइप येस इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि मुझे एक फीडबैक मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज, एंड आई ट्रूली होप दैट इट हेल्प्स यू।